आज मैं बनाने वाली हूँ क्रंची क्रिस्पी नाचोस और इसके साथ में एक बहुत ही इजी इंस्टेंट डिप। बच्चे हों या बड़े, आई एम श्योर ये रेसिपी सभी को पसंद आएगी। एक बार आपको इसकी आवाज़ तो सुना ही देते हैं। तो है ना एकदम बढ़िया क्रंची क्रंची। तो चलिए अब बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मम्मा की रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं नाचोस। वैसे तो नाचोस बनाने के लिए जनरली मक्के का आटे का यूज होता है, लेकिन मक्के का आटा जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे घर में अवेलेबल हो, इसलिए आज हम चावल के आटे से नाचोस बनाने वाले हैं। चावल के आटे के नाचोस बहुत ही क्रंची क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। अगर आपके घर में चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो चावल तो होंगे ही, चावल को पानी से धो के सुखा लीजिए, फिर उसे पीस लीजिए बिल्कुल बारीक और फिर छान लीजिए। बस चावल का आटा तैयार है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है एक ग्राइंडर, इसमें हम ले लेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियां और एक कटा हुआ प्याज। प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून पानी और इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे, इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब हमने ले ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1.5 कप पानी। पानी की अगर हमें बाद में और जरूरत होगी तो हम अलग से गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। इसमें ले लिया है मैंने 1 टीस्पून ऑयल, बस थोड़ा सा ही ऑयल की जरूरत है हमें। साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा नमक। मैं ले रही हूँ 1 छोटी चम्मच नमक। इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और साथ ही में इसमें डाल देते हैं अभी जो हमने पेस्ट तैयार किया था ना लहसुन और प्याज का, वही। ये पूरा पेस्ट मैंने इसमें मिला लिया है, इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं और अब पानी में उबाल आने का वेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें मिला लेंगे चावल का आटा। आप चाहें तो चावल के आटे में जीरा पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा फ्लेवर देता है। चावल का आटा हमने इसमें डाल दिया है, इसे हम मिक्स कर लेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर चलने दीजिए। इस तरीके से हम पूरा चावल का आटा इस पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये ड्राई लगे तो इसमें हम ऊपर से भी गर्म करके पानी डाल सकते हैं। जैसे मुझे ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए अलग रख दिया है। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। स्टार्टिंग में हमने 1.5 कप पानी लिया था और अभी 1/2 कप पानी और यूज किया है, मतलब टोटल हमने इसके अंदर 2 कप पानी यूज किया है। मैंने इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख दिया था और अब ये इसे मैंने गैस से नीचे उतार लिया है। अब इस पूरे मिक्स को मैं एक बॉल में ट्रांसफर कर रही हूँ। अब इसे ऐसे गरम गरम में ही हमें हाथ से प्रेस करते जाना है और इसका एक डो तैयार कर लेना है। बहुत गर्म है ये, लेकिन इसी टाइम पे हमें इसे बस ऐसे प्रेस करना है और इसका ऐसा डो रेडी कर लेना है। बस इसका आटा तैयार है। अब इसे रख देते हैं साइड में और ये ले लिया मैंने एक चकला और बेलन। अब इस आटे में से बॉल्स तोड़ते जाएं और उसको रोटी के जैसे हमें बेल लेना है। अगर बेलने में दिक्कत हो तो थोड़ा सा चावल का आटा आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं, चकले पे डाल सकते हैं और थोड़ा सा ऊपर से भी डाल सकते हैं ताकि ये इस पे चिपके नहीं।
और अच्छे से बेलना हो जाए। ये हमने इसे पूरा चौड़ा बेल लिया है। अब हम इसे फॉक की हेल्प से थोड़ा सा प्रिक कर लेंगे, जिससे कि फ्राई करते टाइम ये फूले नहीं और अच्छे क्रिस्पी बने। बस इसी तरीके से कर लीजिए। अब एक नाइफ की हेल्प से ये जो रफ एजेस है ना, इन्हें हम कट कर लेंगे और इन्हें हटा देते हैं। फिर से इसे बाकी के आटे में ऐड कर लेते हैं ताकि अगली बार बेलने के लिए काम आएगा ये। ये चारों साइड से मैंने निकाल दिया है और ये अच्छा सा स्क्वायर का शेप बन गया है। अब हमें इसे रेक्टेंगुलर शेप में कट करना है। देखिए, तीन रेक्टेंगल्स इसमें से बन गए। अब हमें इसे ट्रायंगुलर शेप में कट करना है। ये तो पूरी ज्योमेट्री आ गई, पहले स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल और अब ट्रायंगल। तो ऐसे हमने नाचोस को ट्रायंगुलर शेप में कट कर लिया और ये सारे ट्रायंगुलर नाचोस रेडी हैं फ्राई होने के लिए। अब एक कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा आटे की बॉल हम इसमें डाल के देखते हैं। देखिए, एकदम से ऊपर आ गया आटा, मतलब तेल अच्छा गर्म हो चुका है। फ्लेम को अब हम मीडियम कर देते हैं और नाचोस को डाल देंगे इसके अंदर। एक बार में जितना स्पेस हो उतने ही डालिएगा, बहुत ज्यादा मत डालिएगा वरना टूट जाएंगे नाचोस। थोड़ा सा स्पेस और है इसलिए थोड़े से मैंने और ऐड कर दिए हैं। अब बस इसे बिल्कुल भी छेड़खानी मत कीजिएगा, इसे ऐसे ही फ्राई होने दे थोड़ी देर तक। उसके बाद में ऐसे स्पून से इसे थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि ये सारी तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। जब ये हर तरफ से फ्राई हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन होने लगे तब हम इसे निकाल लेंगे। ज़्यादा ब्राउन कलर होने का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि ये चावल के आटे के हैं इसलिए इनका कलर लाइट ही रहेगा। बस थोड़ी सी देर और चलने देते हैं मीडियम फ्लेम पर गैस को, और इनका कलर गोल्डन होने लगा है। बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये मैंने इन्हें निकाल लिया है। आ रही है ना अच्छी सी आवाज, मतलब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से हम और नाचोस डाल देते हैं इसमें, इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। और जब ये गोल्डन कलर के हो जाएं तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे। अब एक बॉक्स में हम लेंगे एक चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने लिया है काला नमक। अब इसमें हम रख देते हैं फ्राई किए हुए नाचोस। थोड़े थोड़े करके रखिएगा वरना ये टूट जाएंगे सारे एक साथ डाल तो। ये हमने डाल दिए हैं इसके अंदर। अब डब्बे को बंद कर देते हैं और इसे हम टॉस कर लेते हैं ताकि मसाला पूरी तरीके से नाचोस पर कोट हो जाए। इसी तरीके से इसे हम रोटेट कर लेंगे। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट चला रही हूँ, आप इतना फास्ट मत कीजिएगा, धीरे धीरे आराम से कीजिएगा। अब इसे खोल के देख लेते हैं। मसाले की कोटिंग इसके ऊपर अच्छे से हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया नाचोस बनकर रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं ये। आवाज से ही आपको पता चल रहा होगा।
अभी कटोरी में हमने लिया है 2 चम्मच मेयोनेज। इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा नमक। 1 चम्मच हमने लिया है बारीक कटा हुआ प्याज और इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें टेस्ट के लिए काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, धनिया की पत्तियां। बस ये नाचोस रेडी हैं। वाओ, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बने हैं। आप भी एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।